स्कूल की एक छात्रा के साथ वो जो शिक्षक है बातचीत कर रहा था, गलत टाइप का बातचीत कर रहा था, उस लड़के ने देख लिया था, उसी से क्षुब्ध होकर इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई। एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक अपने ही छात्र को बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर पटना के सीनियर एसपी ने जांच का आदेश दिया है। जाँच के बाद यह पता चला कि यह वीडियो पटना के धनरुआ का है, जहाँ पर एक शिक्षक ने एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ था, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल्स ने भी उस वीडियो को प्ले किया था। धनरुआ थाना अंतर्गत ग्राम बीर ओयारा में एक जय पब्लिक स्कूल है, निजी स्कूल है, जहां पर एक शिक्षक का कथित रूप से, जो शिक्षक अपने आप को कहता है, उसका एक छोटे बच्चे को जिसकी उम्र 6 साल, उसको बहुत ही बेरहमी से मारने का वीडियो वायरल हुआ था। जब ये सोशल मीडिया जो वीडियो वायरल हुआ था हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो थाना ने इसका स्वयं संज्ञान लिया। तुरंत उस बच्चे को ट्रेस करवाया गया, ये 6 साल का बच्चा है, और फिर उसके माता पिता से संपर्क किया गया, फिर माता पिता से कंप्लेंट लिया गया, तो पता चला कि वो जय पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और एक प्राइवेट शिक्षक है उसके स्कूल का, जिसका नाम है अमरकांत कुमार, जो कि मूल रूप से ग्राम बड़ई थाना घोषी जहानाबाद का रहने वाला है। तो उसी ने इसके साथ मारपिटाई किया है। उसके बाद जब कारण पूछा गया, तो बच्चे से भी पूछा गया और माँ बाप से भी पूछा गया, तो कारण ये पता चला कि उसी स्कूल की एक छात्रा के साथ वो जो शिक्षक है बातचीत कर रहा था, गलत टाइप का बातचीत कर रहा था, उस लड़के ने देख लिया था, उसी से क्षुब्ध होकर इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई। क्योंकि बच्चे का मामला था और ये काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा भी इसमें हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ था, तो इसको गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीम हम लोगों ने बनाया था और इसकी गिरफ्तारी हो गई है। जो अभियुक्त है, इसका नाम अमरकांत कुमार है और इसको नालंदा में तिलहाड़ा से पकड़ा गया है, ये अपने चाचा के यहाँ पे छिपा हुआ था, तो कल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें यही एक अभियुक्त है। और इसके ऊपर सख्त धारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी हम लोग लगा रहे हैं, और ताकि इसका बेल ना हो, और माननीय न्यायालय को हम लोग विशेष अनुरोध भी करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा है। शिक्षक एक छात्रा से अश्लील बातें कर रहा था, जिस बातें को नाबालिग छात्र ने सुन लिया था, इसी को लेकर जो शिक्षक है वो नाबालिग छात्र की जमकर पिटाई कर दी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि शिक्षक किस तरह से नाबालिग छात्र की पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए NBC 24।